स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 13। नाउ ओपन योर पेज नंबर 13। लेट्स बी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कन्वर्ट द गिवन नंबर इनटू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये जो नंबर है उसको हमको किसमें कन्वर्ट करना है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमको कन्वर्ट करना है। मतलब हमको ये तो पता चल गया कि हमको इंडियन सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है, तो आप किसकी हेल्प लेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए। जो टेबल बनी हुई आपकी पेज नंबर 12 पे, जो मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की थी, उसकी आपको इसमें हेल्प लेना है। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 मिलियन। तो हमको क्या गिवन है इसमें, 10 मिलियन गिवन है। तो 10 मिलियन गिवन है तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इंडियन सिस्टम में। तो हमको मालूम होना चाहिए कि 10 मिलियन के पहले हम 1 मिलियन का काउंट करेंगे कि 1 मिलियन में कितना होता है। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख। तो 1 मिलियन में अगर 10 लाख होते हैं तो 10 मिलियन में कितने होंगे, 10 मिलियन में कितने होंगे, 100 लाख। कैसे आएगा इसका अमाउंट, 10 में 10 का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जब 10 में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 100। कितना होता है आपका, 100। तो 10 में 10 का हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 100। तो 10 मिलियन इज इक्वल टू 100 लाख। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, 100 लाख आ गया। ओके, ये क्लियर हो गया। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे कि जैसे 10 मिलियन पूछ लिया, 20 मिलियन पूछ लिया, 30 मिलियन पूछ लिया, तो आपको पहले 1 मिलियन का फाइंड करना है कि 1 मिलियन में कितना होता है। तो 1 मिलियन में अगर 10 लाख होता है तो 10 मिलियन में 100 लाख। अगर यहाँ पर 10 की बजाय 20 होता तो भी फाइंड कर सकते थे हम। तो 1 मिलियन में 10 लाख, तो 20 मिलियन में 20 में 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करना है हमको दोनों नंबर का। कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, हमको सॉल्व करना उसको आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ट्रिलियन। अब आपको किसका फाइंड करना है, 100 ट्रिलियन, इसको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट हमको 100 ट्रिलियन की बने, पर हम 100 ट्रिलियन का ना फाइंड करते हैं, पहले 1 ट्रिलियन का फाइंड करेंगे। तो 1 ट्रिलियन इक्वल टू कितना होता है, 10 खरब। कितना होता है, 10 खरब। अब जब हमको 1 ट्रिलियन का पता चल गया कि 1 ट्रिलियन इक्वल टू कितना हो रहा है आपका, 10 खरब हो रहा है, तो 100 ट्रिलियन इक्वल टू कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई 10। 100 में 10 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 1000। कितना आएगा, 1000 आया, तो ये आ गया 1000 खरब। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था, जरूरी नहीं किया 100 पूछा आपसे, वो आपसे 50 ट्रिलियन का भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। अगर आपसे पूछा 50 ट्रिलियन इक्वल टू कितना होता है, तो पहले आप 50 का नहीं फाइंड करें, पहले आप किसका निकालेंगे, 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन इक्वल टू कितना होता है, 10 खरब होता है। तो 50 ट्रिलियन इक्वल टू कितना होगा, 50 मल्टीप्लाई 10। इस टाइप से मैंने आपको मेथड एक्सप्लेन कर दी, आपको मेथड समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन आपका चेंज होके कुछ भी आ सकता है उसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, 28 बिलियन। 28 बिलियन को हमको कन्वर्ट करना है इंडियन सिस्टम में। तो फर्स्ट वी फाइंड 1 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अरब। 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अरब। तो 1 अरब लिखा, तो 28 बिलियन इक्वल टू कितना होगा, 28 अरब। 28 अरब इज अवर आंसर। जब इस टाइप में अगर आपसे पूछ ले 40 बिलियन, 40 बिलियन इक्वल टू कितना होगा, तो 1 मिलियन इक्वल टू 1 अरब, तो 40 बिलियन इज इक्वल टू 40 अरब, 50 बिलियन। तो 1 मिलियन इक्वल टू 1 अरब, तो 50 बिलियन इक्वल टू 50 अरब। इस टाइप से आप इसके, आपको ये जो मैंने क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया है इसको अपनी नोटबुक में नोट करके आपको उसकी जो फोटो है वो अपने ग्रुप पे सेंड भी करना है। आई होप सभी को इसका समझ में आया होगा। मैं इसकी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ, आप नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पर राइट कर रही हूँ नोट। क्वेश्चन नंबर 3, 20 ट्रिलियन। क्वेश्चन नंबर 4, 10 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 6,
40 ट्रिलियन। अभी मैंने सभी आपको एक्सप्लेन किया इनकी वैल्यू, तो आपको आना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 700 बिलियन एंड क्वेश्चन नंबर 13, 352,000। ये क्वेश्चन आप राइट कर लें, उसको सॉल्व करके आपको सेंड करना है। थैंक यू।